कोरोना काल में स्कूलों पर ताला लटकने के बाद अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद आम जिंदगी के साथ साथ अब स्कूल भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन ज्ञान बांटने वाले ही बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने लगे तो इसे लापरवाही के इंतहा कहा जा सकता है। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के ब्लॉक प्रतापपुर के प्राथमिक शाला मखनपुर स्कूल में 3 शिक्षकों की पद स्थापना तो की गई है, परंतु 10:30 बजे किसी शिक्षकों के द्वारा स्कूल तो खुलवा दिया जाता है, परंतु 11:30 से 12:30 बजे तक लापरवाह शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे घर से स्कूल में पढ़ाई के लिए आते हैं, पर 3 शिक्षकों में से एक भी शिक्षक स्कूल परिसर में उपस्थित नहीं रहते हैं। इससे साफ साफ शिक्षकों की लापरवाही उजागर हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 शिक्षक हैं, प्रधान पाठक ही समय पर आते हैं और शिक्षक व शिक्षिका कभी समय पर नहीं आते हैं। इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इसका मुख्य कारण उच्च पदों पर आसीन शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते। अगर जिम्मेदार अधिकारी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते तो इस स्कूल की यह हालत नहीं होती। इस संबंध में जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने हेतु उन्हें फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं एबीईओ के द्वारा बताया गया कि 2 शिक्षक नेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं संकुल प्रभारी को जांच के लिए भेजता हूं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पैकरा। धर्मेंद्र सिंह पैकरा जी, आप यहाँ गांव के पंच हैं या ग्रामीण? मैं ग्रामीण हूँ सर। ग्रामीण है। ये मखनपुर स्कूल में क्या क्या समस्या है? मखनपुर स्कूल में एक तो शिक्षकों का बहुत बहुत बड़ा समस्या है। इन लोग टाइम पे आते नहीं हैं। एक ही शिक्षक टाइम पे आते हैं, घासी सर। उन्हीं के कार्यभार में सब कुछ होता है। अभी ये जो मैडम है संध्या विश्वकर्मा और विजय लाल सर, वो बहुत लेट आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं है, टाइम का पालन नहीं करते हैं। तो आपके द्वारा कहाँ कहाँ शिकायत किया गया? हमारे द्वारा कलेक्टर के पास शिकायत किया गया है और शिक्षा मंत्री के पास भी शिकायत किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री के पास कब शिकायत किया गया था? शिक्षा मंत्री जब यहाँ आए थे अभी हाल ही में, कुछ समय पहले आए थे यहाँ एक बार जी, तो उन्हीं से उस टाइम शिकायत किया गया है। मगर अभी कोरोना काल की वजह से कुछ उसमें नहीं हुआ। कोरोना काल की वजह से किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दिया गया जी। और इसके पश्चात कहाँ शिकायत करेंगे? और इसके पश्चात अब देखते हैं, अब मुख्यमंत्री तक भी कर सकते हैं। क्या है, हमारे गांव के बच्चों का भविष्य का सवाल है जी। अगर टीचर लोग ही लापरवाही करेंगे तो बच्चे भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अनिल कुमार सिंह। आप किस पद में पदस्थ है? जन शिक्षक है। यहाँ कितने मखनपुर स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थ है? सर तो 4 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन फिलहाल में 3 कार्य यहाँ पर हैं। 3 आ रहे हैं जी जी। 3 में अभी टाइम कितना हो गया गुरु जी? टाइम 11:25। 11:25 हो गया, अभी एक भी शिक्षक यहाँ नहीं आए, उपस्थित हुए हैं। इसमें किसका लापरवाही दिखाई दे रहा है? इसमें टीचरों की लापरवाही दिखाई दे रही है। समय पर उनको आना चाहिए था। इसमें मैं सुना कि इसमें कुछ गुरुजी लापरवाह भी है, जो कि बहुत लेट भी आते हैं। लापरवाह कुछ है, समय का पालन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक। सरगुजा संभाग ब्यूरो, आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।